हेलो जी। हेलो हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किस तरह से? अब्दुल भाई बोल रहे हैं जी। भाई जी 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 भाई, हमको ये जानना था कि अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला कहाँ है? एन अल्लाह यार, मरने के बाद अल्लाह ये नहीं पूछेगा हमसे कि हम कहाँ थे, समझे बेटा? नहीं नहीं, नमाज क्या पूछे क्या नहीं, बेटा हम नमाज आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे कोई पूछे कि आपका अल्लाह कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? कुरान पाक देख लो। नहीं, वो तो मेरे भाई देख ही लिया है। आपका मानना क्या है? आपने पढ़ी होगी ना कुरान? मैंने पढ़ी है, समझे जी, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप अगर आसानी से बता सकते हैं। आपने आपने पढ़ी है? आपने पढ़ी है? जी हमने पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। हाँ, आप खोलिए सूरह हदीद का तर्जुमा दे। सूरह हदीद खोलिए, 27 में पारेंगे। हाँ हाँ, उसमें क्या है बताइए ना आप, उसमें पढ़ के देख लो। ठीक है, तो आप तो बता दीजिए ना भाई। बता, आप रहे, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप उल्टा करें, पढ़ के देख लीजिए। बेटा भी सोने का वक्त है। आप नहीं, जैसे आपके जो भाई, आपके जो वो है तारिक जमील, उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आया बेटा और अल्लाह के नबी को लेके चला गया, तो अल्लाह ताला कहाँ है आपका? फिर बेटे इधर उधर की बात मत कर। आप हमारे भाई को मैसेज भेज रहे हैं, उनके अकीदे को मेरे भाई उल्टा सीधा मतलब बना रहे हैं, बहका रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए। मैं किसको बहका रहा हूँ? आप भाई अगर बताइए, आपको अगर कोई बात करनी है समझ तो बताइए। आपको एक ग्रुप में हेड करें? नहीं नहीं, मैं फोन पे बात करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? आप एक काम कीजिए, आपका सबसे बड़ा जो आलिम उस्ताद हो, आप उसका नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेते हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ा आज तक किसी देवबंदी को मालूम ही नहीं कि उसका जो अल्लाह है वो आखिर रहेगा। ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ कुरान पाक में बता दिया है। हाँ, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने भाई सूरह तहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5, और सूरह अल आराफ उसकी मेरे भाई सूरह नंबर 7 और आयत नंबर 54, और सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में साफ साफ कह दिया कि जो रहमान है अपने अर्श पर कायम हुआ। अच्छा, तो अल्लाह सुबहान व तआला तो सबसे ऊंचाई पे, सबसे टॉप अच्छा, पे, बुलंदी पे, अपने अर्श के ऊपर कायम है अपनी शान के लायक। तो अल्लाह ताला जब अर्श के ऊपर है, तो अल्लाह के नबी के इंतकाल पे अल्लाह सुबहान व तआला आसमान से इस दुनिया में आता है, और अल्लाह के नबी को अपने साथ भाई वो लेके जाता है। ये कौन सी हदीस में आपने पढ़ा, कौन सी आयत में पढ़ा? हम कह रहे हैं कि आता है जमीन में लेकर के जाता है। आप हुज्जत नहीं हो ना? नहीं, आप उसको सबूत देंगे ना? हाँ, तो बुरानो को मिनतुम कुम सादिकीन। अगर आप दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आया और अल्लाह के नबी को लेके गया, हम क्या दावा कर रहे हैं बेटा जी? हम क्या दावा कर रहे हैं? आप तस्वीर पढ़िए, और जिसने जो बयान कर रहा है समझ रहे, उसकी तस्वीर। हाँ, मौलाना तारिक जमील साहब ने भाई इसको बयान किया है, और ये बस साबित नहीं है। तस्वीर इब्ने अब्बास पढ़ी है? तस्वीर इब्ने अब्बास इतनी मोतबर थोड़ी ना है, वो कोई इब्ने अब्बास की थोड़ी ना है रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो तफसीर का नाम है, तफसीर इब्ने अब्बास। सब लोग समझते हैं कि भाई वो उनकी ये सहाबी की है, उसमें काफी सारी मेरे भाई ज़ईफ बातें आई हुई हैं। ज़ईफ बातें आई, ज़ईफ किसको कहते हैं? अब ज़ईफ किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं? अगर आपको सीखना होगा मेरे पास फोन कीजिएगा, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी हमें ये आपसे बताना था बेटा, ये ज़ईफ किसने बताया है तुमको? वो हम सब आपको बता देंगे, मुहद्दिसीन ने अल्हम्दुलिल्लाह उसूल बनाए हैं। अल्लाह सुबहान व तआला सूरह आल इमरान उसकी आयत नंबर 55 में कहता है ईसा अलैहि सलाम से कि और तुझे हम अपनी जानी उठाने वाले हैं, यानी कि अल्लाह। अरे सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे,
तुम मुझे अल्लाह सुभान व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हम तुझे अपनी जानिब उठाने वाले हैं। तो जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में उठाने के लिए नहीं आया तो अल्लाह की नबी को कैसे आगे उठाने? हमने आपसे क्या पूछा है? हमने आपसे कुछ पूछा है? हमने आपके सवाल पे सवाल किया ना, आप जिसका मेरे पे दिफा कर रहे थे आप उसका दिफा कीजिए ना। किस बात का दिफा कर रहे थे? आपने तारिक जमील साहब को जो वीडियो था उसका हाँ असरा बेअब्दी का क्या इसकी ताबीर है आप ये बताइए। असरा बेअब्दी सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दी की ताबीर बताइए। क्या ताबीर? ताबीर का इल्म तो मेरे भाई जो मतलब खास लोग होते उनके पास होता है। ठीक, ताबीर एक इल्म है, फन है। अब ख्वाबों की ताबीर, आयतों की ताबीर, ये सब तो मेरे भाई अलग चीज है। बेटा आप ताबीर नहीं जानते हो, ख्वाब की ताबीर। तो आप भी नहीं जानते ख्वाब की ताबीर? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। एक ताबीर मैंने ख्वाब में देखा कि जो कुत्ता है कुत्ते को मैं मार रहा हूँ। अब क्या ऐसा मानना है कि मैं निकाला जाए तो मार रहा हूँ? ऐसा थोड़ी ना होता है। कुरान पाक में ताबीरात आई। अब तो ऐसी कौन सी ताबीरात आपने पढ़ ली जिसमें आया है कि अल्लाह सुभान व तआला इस दुनिया में आया और अल्लाह के नबी को साथ में लेके गया? कौन सी ताबीर है ये? उससे पहले आप सुनिए तो बयान को, क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला आने जाने से पाक है। उसने सिर्फ ताबीर की है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। क्या इसका तर्जुमा है भाई? जैसे आपने अशरफ अली थानवी साहब ने एक खास की ताबीर की थी, एक उनका मानने वाला मुरीद होता है वो भाई वो खाब में पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी माजल्ला रसूलल्लाह, तो वो इसकी ताबीर भाई कहते हैं कि हाँ तुम जिसको मानते हो वो अल्लाह के नबी के मतलब भाई तरीके पे। तो क्या अच्छा। इस टाइप से उल्टी सीधी जो ताबीर उसको आप मेरे भाई बना देते हो? अरे बेटा ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। अरे आप बताइए ना, दावा आप कहे तो दलील आप देंगे ना। जब हमसे जब हम क्या दावा करेंगे तो हम उसका बताएंगे। क्या दावा कर रहे हैं? आपका दावा ये है ना कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के इंतकाल पे इस दुनिया में आया, ठीक है, जनाजे की नमाज पढ़ी और अल्लाह के नबी को अपने साथ में लेके गया। तो ये आपका दावा है, तो दलील आप दोगे ना? आप किताब खोलिए तबरानी, ठीक। अरे भाई आप खाली आयते खोलो, पारा खोलो, किताब खोलो। आपने कहा क्या पढ़ा है? आपको देंगे दलील? जिस मुहद्दिसीन ने लिखा है जो हदीस है जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, समझ रहे, इसी के मुताल्लिक ये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, इसका क्या तर्जुमा है? आप बताइए, आप बताइए। अरे मेरे पे दलील आप पेश कर रहे हैं तो आप बताएंगे ना। अरे हम पेश तो कर रहे हैं, इसका तर्जुमा तो आप करिए। नहीं तो तर्जुमा भी आप ही बताएंगे ना, अशरफ अली थानवी वाला। अभी आला हज़रत का तर्जुमा बताएंगे भाई, कंजूस ईमान का तो आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप देवबंदी हैं। अभी जो है मौलाना तारिक जमील से अभी वो मौलाना अशरफ अली थानवी से कहाँ घूम रहे हो, कहाँ फुटपाथ पे घूम रहे हो? नहीं आपके आपके जो मौलाना तारिक जमील है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो भाई नमाज में सीने पे हाथ बांधना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी बांधो ना। अच्छा। जब उनकी उल्टी सीधी बातों को मान लेते हो तो जो उनका अमल जो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया है आप उसको भी अमल करो। अगर सीने पे हमने नियत बांध दी है, अगर सीने पे हमने नियत बांध ली तो अब ये बताइए अब मुसलमान जो सीने की नियत नहीं बांध रहा है। मुसलमान तो अभी भी है लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही बुखारी की हदीस से, हदीस नंबर 631, इस तरह नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है और सहाबा इकराम ने देख के बता दिया और सहाबा ने बता दिया कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, तो आप भी सीने पे हाथ बांधिए, आपकी तारीख जमीन भी बांधते हैं सीने पे हाथ। बेटा तुम्हें पूरा चैलेंज मैं दे रहा हूँ सही बुखारी में। चैलेंज ना कीजिए, आप किसी अपने कोई वाला आलिम हो आप उसका नंबर आपको दीजिएगा, ठीक है? नंबर लो। हाँ नंबर लाइए जी। कहाँ रहते हो पहले ये बताओ भाई? हम तो यूपी इलाहाबाद में रहते हैं, अफू खान इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, नंबर अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा जी। अभी आपके नंबर में जो सबसे बड़ा आपके आपके नजदीक जो सबसे मोतबर अल्लामा हो जिसको काफी इल्म हो उसका नंबर दीजिएगा। देखिए आलिम नहीं मैं उसका भेजूंगा, सिर्फ मकतब में पढ़ा हुआ है, आप उससे बात करिएगा। देखिए ये सब जो अंगूठा चूसने वाले जो है ना देवबंदी, हम ये भाग जाएंगे बेचारे फोन काट के। बेटा एक बात बता दे जी। बताइए। ये जो है अंग्रेज के बाद की तुम लोगों की पैदावार है, समझ रहे?
तो आपकी हनफी फिका में ये क्यों लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी अहले हदीस थे? तो अहले हदीस तो अलहमदुल्लाह जब हनफी थे उस दौर में मौजूद थे, अगर अंग्रेजों के दौर के बाद की पैदावार तो अहले हदीस उससे पहले होता ना। गैर मुकल्लिदों को देखिए, गैर मुकल्लिद तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। अच्छा अच्छा, और इसका हवाला भी आपको बता दे रहे हैं, मजालिस हकीमुल उम्मत पेज नंबर 345। अहले हदीस जो बात कहते हैं ना भाई, अलहमदुल्ला दलील से कहता है। हमारे पास कोई किसी बात की किसी चीज की कोई दलील नहीं है। आप कुछ पढ़े लिखे होंगे ना, तब आपके समझ में आएगी ना दलील। आप तो कॉपी पेस्ट वाले आदमी हैं, कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के आपका मसला साबित करते हैं। वाह वाह, आप अशरफ अली थानवी साहब भाई 600 रुपए तनख्वाह पे काम करते थे अंग्रेजों के वहाँ। अब मैं आपकी पोल खोलूँ, आपके देवबंद के जो भाई अकाबिर थे वो तो जो मेरे भाई वैशिया होती थी, ठीक है, गंडिया होती थी, उनको ताबीज देते थे। तो अभी मेरा मुंह ना खुलवाइए। आपके अशरफ अली थानवी साहब के मामू ने अपने आप को क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक में जो बयान है वो इस कंडीशन में दूंगा कि हमको फौज चाहिए लड़कों की, उसमें से एक मेरा आला तनसुर पकड़ के खींचे और एक मेरे पीछे उंगली करे और लोगों की फौज ये नारा लगाए कि भड़वा है रे भड़वा। अब बताइए, ये सब तुम लोगों की जो है, अब हम समझ गए आप कितना पढ़े लिखे हैं। आपको अपने अकायद तो मालूम नहीं है मेरे प्यारे भाई, और आप चैलेंजबाजी इतना लंबा करते हैं। अकायद तुम सिखाओगे हमको? तो हम नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? अहले हदीस दीन, अहले हदीस ही दीन सिखाता है। अहले हदीस कौन से अहले हदीस? दादाओं का दिन बताते हैं, हम बताते हैं आसमानी दिन, अल्लाह और अल्लाह के नबी का दिन। कौन से अहले हदीस हो? गुरबा अहले हदीस हो? कौन से अहले हदीस हो? चलिए हम बता दे रहे हैं, आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कौन से अहले हदीस हो भाई? जमीयत हो, गुरबा हो, आईआरसी हो, आईआरएफ हो, आईआरईएफ हो, ठीक है? तो ये सब मेरे भाई जो तंजीम है ना, तंजीम के नाम अहले हदीस जमात एक ही सहाबा की जमात है। अहले हदीस उनको कहते हैं जो कुरान हदीस को मानते हैं। कोई देवबंदी थोड़ी ना कि इसमें भाई कौन से देवबंदी हैं भाई, हम वो हयाती हैं, ममाती हैं, जमाती हैं, खैराती हैं, सबके अकायद अलग अलग हैं। देवबंद का बेटा हर मुल्क के हर कोने में, देखिए खाली दिमाग है देवबंद वाले, कोई आली मकाम नहीं है देवबंद वाले, सिर्फ खाली दिमाग है देवबंद वाले। जाओ बेटा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा और वो जो गिरोह है वो अहले हदीस है। अभी तुम कुएं के मेंढक हो, समझ रहे भाई? आप कभी हनफियत से बाहर झाँक के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इल्म का समुंदर अल्लाह के रसूल को क्यों उन पर झूठ तहमत बांध रहे हो? तुमने ये बात कही कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा हक वाला अहले हदीस ही है, है? भैया आपको हवाला दे रहा हूँ जामे तिर्मिजी की हदीस से, किताब कितन में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब शाम के लोगों में बिगाड़ आ जाएगा तो मेरी उम्मत का एक ताइफा एक गिरोह वो हमेशा हक पे रहेगा। और इमाम तिर्मिजी वो खुद फरमाते हैं हदीस के नीचे कि इस गिरोह से जो बेईमाना है वो अहले हदीस है। ये अब आप मौदिसीन को नहीं मानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो किसको मानते? मैं तो पाकी का तरीका भी नहीं मालूम है। आपको मालूम है पाकी का तरीका? आप बताओ। आपके अशरफ अली थानवी ने बजती जिगर में उतारा है कि अगर उंगली पे कोई गंदगी लग जाए तो तीन बार चाटने से पाक हो जाता है। तो ये तो आपके वहाँ पाकी का तरीका है। अच्छा, और आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऐसा करना, ऐसा करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जायज नहीं, दुरुस्त नहीं। अगर कोई पागल, समझ रहे, या जो नहीं, है, अगर कोई पागल का तो अल्फाजी नहीं है, अगर कोई पागल का अल्फाजी नहीं, ठीक है, अगर कोई चाट लेता है, ठीक, अगर किसी जैसे कि तुम्हारे हैं, देखिए ये जो बेस्टी जेवर है ये खुसूसन औरतों के लिए, उनके ताल्लुक से आता है कि अगर उंगली पे कोई गंदगी लग जाए तो तीन बार ये नहीं लिखा हो जाता है। और यही मसला आपकी दुर्रे मुख्तार में भी लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये, उंगली तो चाटने से पाक हो जाएगी, आपकी जबान का क्या होगा, मुंह का क्या होगा, पेट का क्या होगा? अरे बेटा तुम नहीं समझ पाओगे, तुम इल्म के मोती और गहराई को क्या समझो? आप मेरे को अंगूठा पूछने वाला बच्चा अपना समझिए, ठीक है? आप मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप ऐसे मेरे भाई जो खाली दिमाग के बंद वाले हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों से पहले इल्म सीखते हैं, बाद में उनसे होशियारी करते हैं। अरे वाह वाह भाई वाह, आप फजाइल अमाल पढ़िए, उल्टी सीधे कहानी किससे पढ़िए,
एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ ली। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप 12 दिन तो छोड़िए, सिर्फ 2 दिन एक वजू से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दीजिए, हम 4 महीना आपके साथ इंशाल्लाह जमात में भाई हम आपके साथ जाएंगे। अब बताइए क्या बकवास कर रहे हैं। अरे आपकी फजाइल अमाल में भाई ये उतरा हुआ है कि एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप खाली 2 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ लीजिए। जो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे हवाला भी दिया होगा। हाँ, खुशू के बयान में पेज नंबर 245। मेरा बात तो सुनो, जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हवाला भी दिया होगा। अच्छा, फजाइल अमाल में हवाला आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सैयद साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कुनियत क्या थी, कुछ नहीं, बस एक सैयद साहब का नाम डाल के उल्टी-सीधी बातों को उतार दिया। तुम लोग बिल्कुल बोहतान और झूठ, अल्लाह के बंदे आप पढ़े लिखे नहीं है, आप कौन सी दुनिया में जी रहे मेरे भाई आप। अरे आप पूछ में है कि नहीं। फ़ैज़ा ख़ातबहुमु الجاهلون قالوا سلاما। हाँ तो आप अपने आलिमों को कालो सलामा किया कीजिए, क्योंकि आपके आलिम जाहिल है, पहले दूसरों के पास आया कीजिए इल्म हासिल करने। अरे ये तारीख जमील का अकीदा एकदम बातिल है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आया, ठीक है, और अल्लाह के नबी को लेके गया माज़अल्लाह। हिंदुस्तान का मुजाहिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 साल रोज़े अक़दस पर बुखारी शरीफ का दर्स दिया है। ये उलमा देवबंद को ही दर्स दे। तो मुकल्लिब ना 17 साल दर्स दें या 70 साल दें, नाम क्या जो तुमने कहा ना हनफी मुकल्लिब, और जितने जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, चाहे वो 17 साल पढ़ ले या 70 साल पढ़ ले, ठीक है। मुकल्लिब जो होता है ना पढ़ता बुखारी आ जाता बुखार है। और जो है तुमको क्या आता है बेटा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। जो जो आता है ना तमाम फजाइल जेवर मुख्तार फतावा फिकुल अकबर जब इंशाल्लाह हवाले देने स्टार्ट करेंगे ना तो आप कहेंगे क्या बात करेंगे। तुम जैसे लोग एक इबारत नहीं हल कर सकते हो। अरे आप सवाल पूछेंगे तब आप जवाब देंगे ना, आप हमें फोन कीजिए 50 सवाल कीजिए जवाब देंगे। क्या आप फोन कीजिएगा, आपको जो चीजें समझ में ना रही हो हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे ना इस्लाह की नियत से। तुम सिर्फ वजू का तरीका बता दो कुरान हदीस से, सिर्फ वजू का तरीका, बस इतनी आसान सी बात। जी इतनी आसान सी बात, मैं हवाले के साथ, बस हवाले के साथ। जी जी तो फिर वजू में हाथ धोना क्या है, सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है? मैं हदीस के साथ, किसी की तकलीद नहीं होना चाहिए। नहीं तकलीद तो मेरे भाई जो अंधे मुकल्लिद होते हैं उनका काम है। जी 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 हाँ, तकलीद अंधे मुकल्लिद ना करते हैं। जी 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 और तो अगर हमने आपको बता दिया कि मेरे भाई जो वजू है उसमें कितने फराइज हैं, कितनी मेरे भाई सुन्नत है, और किन चीजों से भाई टूट जाता है, किन से भाई वो नहीं टूटता है, तो आप क्या करेंगे? वो सब बातें दूर की है, ठीक है, दूर की कैसे भाई। मैं सिर्फ वजू का तरीका आपसे पूछना चाहता हूँ कि वजू में जो चीज सुन्नत है वो सुन्नत अल्लाह के रसूल ने बताई है, जो वाजिबात है वो अल्लाह के रसूल ने बताया है, किस हदीस से है, ठीक है, समझ रहे। और फिर जो आप कह जो जो जिस मसलक पे आप हैं उस मसलक पे चलने लगेंगे। देखिए वजू में भाई 4 फर्ज हैं और ये अल्लाह सुभान व तआला ने बता दिया है सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में। पहला है पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को हमको धोना है। एक कान दूसरा जो है वो दोनों हाथ को कोनियों समेत धोना है। तीसरा है चौथाई सर का मसा करना है और चौथा है दोनों पाओ को टखनों समेत धोना है। तबसरा कर लो या अय्युहल लजीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग्सिलू वुजूहकुम, वुजूहकुम का जिक्र किया गया है। हाँ तो इससे क्या हो गया, पेशानी से लेकर ठुड्डी का जिक्र तो किया नहीं कि तुम कुरान में तहरीक। अरे ये चेहरे में आता है ना, अब मानिए चेहरे को खा लिया अगर आपने, खाली भाई जो आपके
आपके होठों का हिस्सा है, आपने उसको अपनी अकल से बना लिया कह रहा, तो हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। बेटा कुरान पाक समझाओ तुम, नहीं तो हम तुम्हारी समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अहले हदीस अलहम्दुलिल्लाह के पैरोकार हैं। तुम्हीं तो ठेका लेकर गया कुरान पाक, तो हम तो ठेकेदार नहीं है आपकी तरह। मुकल्लिद जो बाप दादा होगा दीन का जिक्र है, झूठे दज्जाल कहेंगे, वजू हकुम का जिक्र है, ठोड़ी से लेके पेशानी और एक कान की दूसरे कान की लौ तक का कोई जिक्र है ही नहीं। जो चेहरा है जिसको कहते हैं झूठे, झूठे कहें कि एक कान के दूसरे कान, आपका चेहरा क्या है, आपका फेस क्या है? नहीं तू एक कान के दूसरे कान के, आप एक कान दो कान आला तनसुल दुबूर इसको छोड़िए, आपका चेहरा क्या है? अरे तूने झूठ क्यों बोला? अरे झूठ कहाँ है, ये तो सच है। सिर्फ चेहरा का नाम, चेहरे का माना क्या है? अब भाई आप कैसे अंधे लोगों को समझ आएगा नहीं, इसलिए खोल खोल के बयान करता है कि जो चेहरा होता है उसको पूरा धोना भाई नमाज में बिल्कुल वाजिब है। और चेहरा किसको कहते हैं? पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेके दूसरे कान की लौ तक, ये पूरे चेहरे में शामिल होता है। अब आपको आता नहीं तो इसमें हमारी क्या दिक्कत है? आप जाके सीखिए कुरान पाक में कहा, कुरान पाक ने जो तर्जुमा किया है, जो बताया है, वो जो अल्लाह सुबहान व तआला, अरे अल्लाह सुबहान कुरान में कहता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो। तो अल्लाह के नबी ने बताया ना चेहरा क्या होता है, अल्लाह के नबी कितना चेहरा धोते थे। झूठ बोलो, अबे भाई पागल हो गए क्या? भांग मंगा के मेरे भाई बात कर रहे हो क्या? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कुरान पाक में नहीं, हमको लग रहा है आप सूरह मायदा की आयत नंबर 6 खोलिए, सूरह मायदा की आयत नंबर 6 खोलिए। वो मुझे मालूम, मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खोलिए खोलिए, अच्छा आप हाफिज है ना, अभी देखिए कैसे आपकी टाइप होती है। आप कैसे लोग कुरान को जबान को तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन कुरान उनके अलग से नहीं करता है। झूठे कहें कि फ्राइडी, अरे भाई आप 420 है क्या? शामिल कर रहा है कान, 420 है कान को, दूसरे कान को भी चेहरे में शामिल कर रहा है, कान की लोह को भी, दूसरे काम की लोग को शामिल कर। पागल के साथ साथ हो गए पहले भी। आप फोन कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, थोड़े पैसे आपको भेज दें, अपने कान का इलाज कराइए। लगेंगे इंडिया छोड़ के भाग जाएगा भाई। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, जहाँ लखनऊ में आप रहते हैं ना, टेली पुलिया पे, ठीक है, जो की मेरे लिए दुकान का फोन बेचते हैं ना, उसी फोन की दुकान में आके जितने फोन है, एक एक फोन को, एक ही बात की मेरे पे धुलाई पे, एक ही फोन से वीडियो आपका बनेगा। क्योंकि बदतमीजी मत कीजिएगा, बंद कर दो, बदतमीजी मत कीजिएगा। आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं? आपका पूरा बायोडाटा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। लखनऊ में आप जहाँ जहाँ जाते हैं, चंदा मांगने सब हमें पता है। इतना बिगाड़ दिया है अल्लाह अकबर, वजू हुक्म को। अरे वजू में चार फर्ज हैं, जाके अपने आलिमों से पूछो, जाहिल आदमी। हम अपने आलिम से, अल्लाह सुबहान तआला सूरह मायदा की आयत में कहता है, आयत नंबर 6 में, ए ईमान लाने वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो, और अपने सिरों पर हाथ फेर लो, और अपने पैरों को भी टखनों तक धो लो। पहले अब ये बताइए इसमें आ रहा है अपने चेहरे को धो लो, तो चेहरे पहले, चेहरा क्या है आपका? इससे पहले चौथाई का जिक्र क्यों किया? आपका चेहरा क्या है? अरे आपका चेहरा क्या है बताओगे मेरे भाई? आप तो कुरान हो ना, ये बताओ इससे पहले चौथाई सर का तर्जुमा क्यों किया? इससे पहले चौथाई सर का तर्जुमा क्यों किया? ये बताइए मेरे अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के बंदे हो या शैतान के बंदे हो? आपने सवाल हमसे क्या कहा था? तुम वजू के कितने फराइज हैं? तो मैंने चार फराइज आपको बताया, चारों अलग अलग करके बताया। अब उसकी दलील भाई मैं आपको आयत से दे रहा हूँ, हवाला मैंने पहले दे दिया था। अब आधी बात आप सुन के आपका जिन जा गया, क्योंकि आपने देख लिया ना कि आज आपको आपका बाप मिल गया, आज आपको आपका बाप मिल गया, तो आपकी हालत टाइट हो गई। अभी तो लोगों को बेवकूफ बनाते थे आप। बेटा तुम्हारे बाप के बाप है हम, तुमने आपके तो बाप के बाप के जो बाप है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों के पास जाते थे। तुमने चेहरे को, तुमने चेहरे को जो है अशरफ अली खानी थे, वो भी अहले हदीसों के पास जाते थे। इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, जगह नहीं मिल रही भागने की। बेटा भाई आपने चेहरे की तारीफ नहीं की, तुमने चेहरे को जो है, हम क्यों तारीफ करें? चेहरा बस चेहरा कह दो, तुमने बस चेहरे को चेहरा कह दो, बस और क्या, चेहरा को चेहरा कह दो और क्या? ऐसे तो पैर पैर है, ऐसे तो पैर पैर हो गया ना। क्या अल्लाह तबारक, कहाँ तक उसको धोना है? अच्छा कहाँ तक धोना है? चखना किसको कहेंगे आप? वो तुम बताओगे, अल्लाह ताला को बताएंगे। नहीं नहीं अल्लाह ताला तो, अल्लाह ताला नहीं बताया,
नहीं, टकना किसको कहेंगे? अल्लाह ताला कह रहे टखनों तक पैरों को धो, अब मैं कौन टकना? तो टकना किसको कहेंगे? चौथाई, तुमने चौथाई सर का भी जिक्र किया, उसमें चौथाई सर का जिक्र भी बताओ हमको। तो वही तो समझाने जा रहा हूँ ना, आप आराम से हमसे बोलिए कि अफू खान हमको दीन सिखाओ, हमको आता नहीं है तो आपको सिखाएंगे ना? आप जबरदस्ती झूठो मकारो यो खाली इल्जाम, मतलब बेवा औरतों की तरह माता स्टार्ट कर दिया आपने। बहुत से दज्जाल आए, चेहरा जो होता है चले गए हैं, वो जो आम तौर पर होता है जो हमको मेरे भाई वुजू में धोना है पानी से, वो जो हिस्सा है वो कहाँ से कहाँ तक है? पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा इसको कहते हैं और इसको धोना है। और ये आपकी हनफी मसलक की जो भाई शामी है, शामी में आप जाके देख लो, शामी की जिल्द नंबर 235 पे लिखा हुआ है। अरे बेटा, और बाप का नाम है अरकानुल वुजू, आप जाके खोल के पढ़ो ना। तहरीफ की है, तुम तौबा करो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में। भाई आपको पैदा बोलना, आपको ना आपकी हनफी फिका के बारे में पता है, ना आपको कुरान के बारे में पता है, ना आपको हदीस के बारे में। इधर उधर के पैदरे बदल लो, आज तक कोई अहले हदीस सामने नहीं टिक पाया है। अरे आपकी औकात से बात करने की, अहले हदीसों से तुम्हारी कोई औकात नहीं। अल्लाह माफ करे, अहले हदीस अगर कर देना तो आप उसमें मेरे भाई आप जाके भाई वो डूब जाओगे, ठीक है? आपकी औकात नहीं, बात करने की। वाह वाह, आप जाके मोबाइल बेचिए जो आपकी हैसियत है, आप दीन के ठेकेदार, आप दीन के ठेकेदार ना बनिए। हम सहू बिरूसिकुम, चौथाई सर कहाँ से आ गया? क्यों जाहिल आदमी हो, किसी से मातम कर रहे ना मोहर्रम के? कुरान पाक पर बोहतान बांधते, शर्म नहीं तुम क्या बोहतान बांधा? तुम्हारी पूरी नस्लें साफ हो जाएंगी, मेरा तुम बोहतान साबित कर दो। आपकी पूरी नस्लें साफ हो जाएंगी, एक बोहतान साबित कर दो। मैंने कौन सी कुरान की आयत को झूठ बोला? वुजू हुकुम में तुम ये क्यों कह रहे हो? चेहरा दो है, फिर ये तो बताओ चेहरा किसको कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, चेहरा किसको कहते हैं? मुझे मत बताओ, मुझे मालूम जिसको कहते हैं उसको कहते हैं। ये काम किसको कहते हैं बताओ ना? चेहरा, अरे किसको कहते हैं? डर क्यों रहो, बताओ चेहरा किसको कहते हैं? भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता हूँ। आपको जब नहीं मालूम है तभी तो मैंने आपको बताया था, पेशानी के बालों से लेकर के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरी चेहरे की तकलीद नहीं कर सकता। मैं तेरी तकलीद नहीं कर सकता कुरान पाक। भाई मैं तो बता, भाई तकलीफ उसकी होती है किसी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना। मैं तो दलील आपको दे रहा हूँ ना, मुझे दलील हमकी मसलक की, जो भाई शामी किताब है, शामी किताब की एक सफा नंबर 235 का आपको हवाला दे रहा हूँ। कुरान पाक के तुमने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला भैया? साबित करोगे ता कयामत तक टाइम दे रहे हैं भाई, हमारा झूठ साबित कर दो। कयामत तक टाइम है, तुम कुरान पाक अल्लाह सुभान व तआला कुरान में कहता है कि नमाज को कायम करो, लेकिन कैसे कायम करना है वो हमको अल्लाह के नबी को देखना पड़ेगा ना। अभी बात चल रही है अल्लाह के नबी जैसे भाई कायम किए वैसे करेंगे, तो अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में कहा कि चेहरे को धोलो, और अल्लाह के नबी ने चेहरा धो के बता दिया कि चेहरा अभी चल रही बात वजू पे बात चल रही है, समझ रहे? तो वुजू पे मैंने बता दिए कि चार फर्ज होते हैं, अब आपका इसके ऊपर कोई एतराजात है? कुरान पाक आपका कोई एतराजात है चार फर्ज के ऊपर? आपके यहाँ कितने होते हैं? 40 फर्ज होते हैं आपके वजू में? हमारे यहाँ कितने भी होते हैं आप ये बताइए। ये क्या होता है, अपना छुपा रहे हैं? यानी कि अपना दीन मजहब छुपा रहे हैं? यानी कि आप कादियानी हैं? मजहब नहीं, तुम मुझे बताओ मुझे वजू कैसे करना है? सीधा छुपाए मजहब छुपाए वो तो मुझे ये बताओ वजू कैसे करना है? तुम मुझे ये बताओ वजू कैसे करना है? मुझे ये के दोबन वाले कैसे करना है? आइए ना मुकाबला कीजिए इनके मैदान में। तो शर्म, तुमको शर्म नहीं आती कुरान पाक पे तुमने झूठ बोला? ये जो ऑडियो है ना, अभी ये आवाम में जाएगी, तमाम लोग सुनेंगे कि ये भैया इतने बड़े अल्लामा झोला साहब, चेहरा किसको कहते हैं? इनको नहीं पता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम कुरान जब आपको नहीं पता है तो क्यों इतने बोल बच्चन देते हो भैया? आप मुझे ये बताओ आप ये कहाँ से लेकर के आए? बता तो रहे हैं हनफी मसलक की किताब है शामी, उसकी सफा नंबर 235। आपने कहा कुरान पाक में है मौलाना अब्दुल रकीब साहब, आपके लिए हुज्जत आपका इमाम कौल है, आपका हनफी मसलक है। मैंने आपको आपके घर की दलील दी है, अब आप अपने घर की दलील अगर नहीं मानेंगे ना तो आपके जमात वाले आपको जूतों से मारेंगे। आप हमको अहले हदीस बनाना चाहते हो तो नहीं, हम नहीं बनाना चाहते, हम कौन बनाना चाहते? हम कोई एजेंट थोड़ी ना है अहले हदीस बनाने वाले। सबसे पहले कुरान पाक के झूठ के आप जब कुरान हदीस खुद पढ़ेंगे तो अहले हदीस हम कौन होते हैं बनाने वाले?
वमसहु बिरूसिकुम में चौथाई सर का मसा कहाँ पे आया? ये कहा गया कि सर का मसा करो, चौथाई अल्लाह के नबी ने चौथाई सर का किया है ना। आप पढ़ो ना, बुखारी की हदीसें पढ़ो, मुस्लिम की पढ़ो, अबू दाऊद की पढ़ो, तब पता चलेगा ना। अल्लाह के नबी पूरे सर का मसा नहीं करते थे, कुरान चौथाई सर का मसा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो हमको अल्लाह के नबी ने दिया है कि कैसे मसा करना है, तो जैसा करना है वैसे तो करेंगे। पहले वजू पे, अब आप की तरह थोड़ी ना, मतलब जो भाई चौथाई सर के मसे के साथ साथ जो मेरे पे गर्दन है, गर्दन का भी कर ले मसा। गर्दन का मसा करना बिदअत है, आप लोग कर दो, आप लोग बिदअती साबित हो गए। फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे इधर उधर की, पहले वजू से लेकर के चलो, ये फराइज में से है। कुरान पाक की किस आयत में है कि ये सूरह माईदा की आयत नंबर 6। अच्छा ठीक, कहाँ पे लिखा फराइज में से है? भाई फराइज एक टर्म है, इस्तिला है, जिसके ना होने से वो जो चीज होती है मुकम्मल नहीं होती। ये इस्तिला किसने बनाई, अल्लाह ने बनाई या अल्लाह के रसूल ने बनाई? ये अल्लाह के नबी ने बताया कि अल्लाह के नबी ने वजू होगा नहीं, तो जिनके ना करने से कोई चीज नहीं होती है उसको बोलते हैं अनिवार्य, कंपलसरी, फर्ज। अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये जो चार फराइज है किस किताब में है? अरे भाई ये कुरान में है ना भाई, सूरह माईदा की आयत नंबर 6। सूरह माईदा में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना, अल्लाह का हुक्म जो होता है उसको फर्ज कहते हैं। अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है वही फर्ज है। इतना नहीं मेरे पे उसूल मालूम है? उसूल से पैदल है क्या आप? नहीं नहीं, हम तो ठीक, हम तो पैदल है, लेकिन आप ये बताइए, आप पैदल है? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आज ये खाली दिमाग के देवबंद वाले ने मान लिया कि वो अकल से पैदल है, उसूल से पैदल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाद मेरे भाई हमको पता करके लग गया बेटा, ये बताओ ये पैदल है, ये कहाँ से लेकर के आए ये चीज फराइज में से, तुम ये बताओ। अरे भैया चांद को चांद कहते हैं तो चांद को चांद का हेक ले कहते हैं, कहाँ से आप लेके आए कि चांद को चांद कहना चाहिए? ये कोई सवाल होता है? नहीं बेटा, मुकरो मत कुरान पाक नहीं, सूरज को सूरज कहते हैं, ये बात आप कहाँ से लेके आए? सेब को सेब कहते हैं, सेब को आम क्यों नहीं कहते? आम को आम कहते हैं, आम को पहले ये बताइए, फराइज में अनार को अनार कहते हैं, अनार को अंगूर क्यों नहीं कहते? देखो अंगूर को अंगूर जा रहा है, अंगूर को केला क्यों जा रहा है? कुंभ मेले में जा रहा है क्यों? कुंभ मेले में भागे जा रहे हैं यार तुम? भाई जिन चीजों की इबादत कंप्लीट नहीं होती है, जो अल्लाह का हुक्म है वो इस्लाम उसको बोलते हैं फर्ज, जो अल्लाह के नबी करते हैं उसको बोलते हैं सुन्नत। तो ये तो इस्लाम है ना, किसने इस्लाम बनाई? अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने बनाई ना, अल्लाह का हुक्म होता है वो फर्ज होता है। कुरान पाक की किस आयत? हमारा दीन आसमानी है ना, तो हमारा जो कुछ है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमको दिया है। भटक रहे हो, आप भटक रहे हैं, आप हमको भटकाने के चक्कर में खुद भटक जाओगे, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी राह नहीं हटेंगे। बेटा तुम समझा नहीं पा रहे हो, तुम समझा नहीं पा रहे हो, गुलाटी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी मिसाल ऐसी है कि एक गांव में एक आदमी जाता है, अपनी बीवी से कहता है बीवी 100 रुपए लाओ, हमने गाँव वालों से लगा की भाई दो चार होता है पाँच नहीं होता, वो पाँच कहता है, गांव वाले कहते हैं चार होता है, तो बीवी उसकी कहती है नहीं नहीं आप हार जाएंगे सर, तो वो कहता है हम हारेंगे तो तब ना जब हम उनकी मानेंगे। तो आपकी भी मिसाल ऐसी है, आप दो जमा दो चार होता है, इधर उधर की बात कर रहे हो, जो मुद्दा लिए हो उस पे मुझे समझा दो। ये मुद्दा किस कुरान पाक? अभी आप बैकग्राउंड जानते नहीं है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसको आप पहला बताने कुरान पाक। आप लोग को तमाम कितनी किताब मंत्री कयास शैतानी बातें अलहमदुल्ला आपको पता है, कुरान पाक की हैसियत क्या है? आपको कहाँ जाके क्या सवाल करोगे? अलहमदुल्ला सब पता है। पहली बात तो तुमने कुरान पाक में झूठ बोला है, सबसे पहले ये भाई तुम अपना इल्जाम तो साबित करो। झूठ बोला, अभी मैं कह दूं कि तुमने फला औरत का बलात्कार किया है तो हमको साबित करना पड़ेगा ना बलात्कार किया, ये खाली में इल्जाम लगा के छोड़ दें। तर्जुमा करो उसका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, फ़ग़सिलू वुजूहकुम का तर्जुमा करो। क्या भाई हमने क्या झूठ बोला ये बताइए? फ़ग़सिलू वुजूहकुम का तर्जुमा करो फिर हम बताएं। हमने क्या झूठ बोला? आप हमारा झूठ बताइए। फ़ग़सिलू वुजूहकुम में ये है कि तुम अपने चेहरों को धो लो। तुमने ये क्यों कहा कि एक कान से दूसरे कान और एक ये चेहरे का भाई तारीफ है? चेहरा किसको कहते हैं? हम तारीफ नहीं पूछ रहे। तो आप नहीं पूछ रहे तो क्या मैं आपको बताऊंगा? नहीं अच्छा, आप ये पूरी बात बता दूंगा। आप पूछ के पैदा हुआ हूँ, अल्लाह ने तुमसे पूछ के पैदा हुआ हूँ, जो आप पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा।
अल्लाह मेरा ने तुमसे दीन ये आसान कहा है कि आसानी तुम तारीफ से फूल बनाना फूल है, बताऊंगा ना। अल्लाह ने तुमको बताया है कि हम चेहरा कह रहे हैं लेकिन तुम उसकी वजाहत करना ना। तो अल्लाह के नबी ने बताया ना, अल्लाह के नबी जितना चेहरा धोते बेटा, थे वो उतना हमने बता दिया। अल्लाह के नबी जब अपने चेहरे को धोते थे तो पेशानी से लेके थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये पूरा चेहरा अल्लाह के नबी धोते थे। आप जाके पढ़ो ना बुखारी मुस्लिम ने माजा थे, मालिक हाकिम इब्ने बज्जार आप जाके पढ़ो। आप खुद पढ़े लिखे हो नहीं भाई जाए हो और लोगों के फराइज में से है। ये फराइज में से है, क्या फराइज है, क्या फराइज, ये चार फराइज आपने बताए हैं। हाँ अल्लाह का हुक्म है ना, कुरान में आ रहा है जो अल्लाह का हुक्म होता है उसको इस्तेलाह में भाई बोलते हैं फर्ज। जो अल्लाह कह दे पांच टाइम की नमाज पढ़ना है इसका मतलब ये अल्लाह का हुक्म है यानी फर्ज है। ये इस्तिलाह कहाँ से लेकर, ये इस्तिलाह किसी चीज को आप कोई नाम तो दोगे इस्तिलाह में? ये अल्लाह ने बताई है या रसूलुल्लाह ने बताई? अल्लाह ने बताई है कुरान में सूरह माईदा आयत नंबर 6 में, ऐ ईमान लाने वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो और अपने सिरों पर अपने हाथ को फेर लो और अपने पैरों को भी टखनों तक धो लो। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है ना, हुक्म दे रहा है ना। तो अल्लाह का हुक्म इस्तिलाह में इसको बोलते हैं फर्ज। यार तुम अल्लाह का हुक्म, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि ये फर्ज है या वाजिब है या क्या है? अल्लाह का हुक्म भाई यानी कर नहीं करना है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म को छोड़ नहीं सकता है। तुमको कैसे मालूम हुआ? मेरे भाई दुबंती होंगे जो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है तो क्या हुआ, छोड़ो तुम गुलाटी मार रहे हो, समझ रहे? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम पहले चेहरे को जो है हो गई है बंद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से तुम लोगों की खाली दिमाग में बंद वाले, आप तुम्हारा सिर्फ काम है सवाल कराइए और अपने उस्ताद से अपने आलिम से बात कराइएगा। पकड़ लिया जाता है अल्लाह ताला को हिदायत से जिस सवाल को पकड़ लिया जाता है बेटा तुम लोग भाग जाते।